यहाँ पर आपको पशु मिले? पशु मिले यहाँ पर। कैसे मिले सर? पशु बहुत बढ़िया मिले हैं। पशु बहुत बढ़िया। और कैसी रेंज के साथ आपको यहाँ पर पशु मिले हैं? मीडियम रेंज के हैं। मीडियम रेंज। सभी पशुपालक भाइयों को आपके अपने यूट्यूब चैनल साहिल डेयरी फार्म की तरफ से नमस्कार। दोस्तों, रेगुलर रूटीन से अच्छे अच्छे पशु दिखाने के प्रयास में हम उस छोटे से छोटे जो कि पशुपालक के घर पहुंचकर हम आप लोगों को जो कि अच्छा से अच्छा पशुधन दिखा रहे हैं। आगे हम इस झोटी के बारे में सर से डिटेल से पूछे, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगा जो भी पशुपालक आपके अपने यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़ा है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों को जो कि एड्रेस है वो बताना, नेहरूगढ़ गामडी और जो कि रिवाड़ी के अंतर्गत आता है। दोस्तों, ये देख सकते हो, मैं बताना चाहूंगा यहाँ से हम जो कि पहले भी दो वीडियो कवर कर चुके हैं, आप लोगों ने काफी ज्यादा उसको जो कि पसंद किया। और मैं बताना चाहूंगा सर का यहाँ के जो कि रूटीन से जो कि पशुओं का भी सेल परचेज का काम है, अच्छा से अच्छा पशुधन यहाँ पर मिलता है और अच्छी रेंज के साथ। तो चलिए आगे इस डिटेल इस झोटी के बारे में सर से पूछेंगे, तो चलिए चलते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम क्या है? विक्रम जी। विक्रम जी, तो सर तो ये बताएं आपका जो गांव है ये कौन से रोड पर पड़ता है सर? कोसली डेना। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कोसली से लगभग 5 से जो कि 6 किलोमीटर पर आपका ये गांव पड़ता है। अच्छा, तो सर ये बताइए झोटी कौन से लैक्टेशन में है? सेकंड लैक्टेशन में। तो सर ये बताइए, इसने फर्स्ट लैक्टेशन में आपने मेरे से बताया था कि अच्छा इसने जो कि रिकॉर्ड है कायम किया है, तो वो और बताइए इसने फर्स्ट लैक्टेशन में कितना दूध दिया है? 17 लीटर फर्स्ट लैक्टेशन में। तो दोस्तों, ये देख सकते हो फर्स्ट लैक्टेशन में जो कि एक फर्स्ट टाइमर जो झोटी होती है उसके नीचे जो कि पहले ब्यात में जो 17 लीटर जो दूध होता है वो काफी अच्छा होता है। तो सर, वो 17 किलो दूध कहीं रिकॉर्ड करवाया था या फिर घर पर दिया था? घर पर दिया था। दोस्तों, ये देख सकते हो, मैं बताना चाहूंगा कि सर अच्छा से जो कि अच्छा फील्ड में से जो कि पशु सिलेक्शन करके लेके आते हैं और एक से एक मैं कहूँ की जो देखने वाले भाई हैं उनसे बताना चाहूंगा यहाँ से आप लोगों को अच्छी से अच्छी जो कि रेंज और अच्छी अच्छी जो कि क्वालिटी की आप लोगों को। तो सर ये बताएं ये कितने दिन की गैप बना और कब ये भी आने वाली है? और जी, इसका 25 तारीख को टाइम पूरा हो रहा है। 25 तारीख को टाइम पूरा हुआ है। तो सर ये और बताइए कौन से बुल से गैप बना है? HLDB से बताया था आपने सर मुझसे। HLDB के दोस्तों, ये देख सकते हो जो HLDB का जो इशार यूनिवर्सिटी जो सरकार जो नस्ल सुधार के लिए जो सीमन बैंक है इशार, उससे जो कि सीमन से जो कि गैप बन करवाई गई है। तो सर आप इसको एक बार चलाए के और दिखाएं जो हम इसका चाल डाल हम वो और देखना चाहेंगे। दोस्तों, जो अडर क्वालिटी आप ये देख सकते हो, ये देख सकते हो थनों का स्पेस है काफी अच्छा, जो लंबी गर्दन और हाइट की अगर बात की जाए तो बिल्कुल मैं कहूँ कि नॉर्मल हाइट के साथ आप ये जो अडर क्वालिटी आप ये देख सकते हो। दोस्तों, मैं पास से जो कि आप लोगों को अडर क्वालिटी वो दिखाना चाहूंगा। ये देख सकते हो टैल है, लगभग 3 इंच बाल व्हाइट है, बाकी पूरी ब्लैक है। और यहाँ पर जो कि काफी सारे जो कि भाई पशु लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं उनसे भी जानेंगे कि कहाँ से आए, काफी दूर दूर से यहाँ से जो कि आके पशु जो कि परचेज करते हैं। तो सर ये बताएं अब की बार आप इससे कितने दूध की उम्मीद करते हो? 20 लीटर की दूध की जो की उम्मीद कर रहे हो। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा क्योंकि टाइम भी थोड़ा ऐसा है, गर्मी का टाइम और मार्केट, मैं बताना चाहूंगा मार्केट में जिस चीज की जो कि कमी भी होगी उसका जो कि रेट भी वो बढ़ जाता है। और सर बता रहे हैं कि हम इससे 20 लीटर दूध की जो कि उम्मीद कर रहे हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा अगर कि इसी गर्मी में अगर कोई भैंस 20 लीटर दूध देती है, अगर वो सर्दी हो तो उसमें लगभग 25 लीटर दूध मैं मानता हूं कि वो जरूर दे देगी। तो दोस्तों, मैं पास से जो कि इसकी अडर क्वालिटी है वो और दिखाना चाहूंगा। तो थनों का स्पेस है काफी अच्छा, ये देख सकते हो दोस्तों, मैं कहूँ कि काफी अच्छा। तो चलिए दोस्तों, जो भाई आए हुए हैं उनसे भी पूछेंगे कि कहाँ से आप आए हुए हो। तो दोस्तों, ये देख सकते हो जो कि बाहर से यहाँ पर पशु लेने के लिए आए हुए हैं, इनसे भी जानेंगे यहाँ पर आके कैसा कुछ लगा। तो सर नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। सर कहाँ से हो आप? हम डिस्ट्रिक्ट पलवल गांव ककराली। डिस्ट्रिक्ट पलवल गांव ककराली। तो सर यहाँ पर आप पशु लेने के लिए आए हैं? हाँ जी। यहाँ पर आपको पशु मिले? कैसे मिले सर? पशु बहुत बढ़िया मिले हैं। पशु बहुत बढ़िया। और कैसी रेंज के साथ आपको यहाँ पर पशु मिले हैं? मीडियम रेंज के हैं। मीडियम रेंज के यहाँ पर पशु है। और किस हिसाब के, मतलब कितने दूध के यहाँ पर आप लोगों को पशु मिले हैं? पशु हमें यहाँ से लिए हैं लगभग 16 लीटर से, 16 से और 18-19 तक के लिए हमने। 16 से जो कि 18 लीटर के जो कि यहाँ से पशु यहाँ पर आप पहली बार आए या फिर आप पहले भी आ चुके हो? यहाँ पे दूसरी तीसरी बार आए। अच्छा, दूसरी तीसरी बार आए। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा वो दोबारा वही जगह पर आया जाएगा जहाँ पर विश्वास का काम होगा और अच्छा काम होगा, अच्छी रेंज का जो कि पशु क्वालिटी में मिलेगा, तो मैं कहूंगा कि कोई भी हो यहाँ पर जरूर आएगा। तो सर ये बताएं अब की बार यहाँ से आप कितने पशु लेके जा रहे हैं? हम
यहाँ से आप तीन पशु लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हो। तो सर आप अपना एक बार शुभ नाम और बताएं। सतेंद्र सिंह। तो आपका जो कि पशुओं का सेल परचेज का काम है या फिर आप दूध बेचते हो? सर दूध बेचते हैं। और अगर आपके एरिया में कोई आपसे पशु यहाँ से आप लेके जाते हो, अगर कोई लेना चाहे तो आप उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हो तो बता दो। 9050 17 83 00। तो सर का कॉन्टेक्ट नंबर है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, अगर पलवर डिस्ट्रिक्ट में सर से आप कुछ पूछना चाहते हैं तो सर से जो कि आप पता कर सकते हैं, और अच्छे क्वालिटी वाइज जो कि भाई साहब से भी आप जो कि पशु है वो खरीद सकते हैं। और जो इनके भैंस के जो ओनर है इस डेयरी के में, उनसे उनका जो कि कॉन्टेक्ट नंबर है वो जो वीडियो में चल रहा है आप इन पर संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कवरेज गामडी गांव में। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं किसी छोटे पशुपालक के पास या फिर किसी हाईटेक डेयरी फार्म पर। तब तक सभी पशुपालक भाइयों को आपके अपने यूट्यूब चैनल साहिल डेयरी फार्म की तरफ से नमस्कार।